हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब फिट एंड फाइन हैं। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रुप 14 एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ग्रुप 14 एलिमेंट्स मीन्स कार्बन फैमिली। वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली को, 14 ग्रुप को आप फोर्थ ए के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम जानते हैं कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन, लेड एंड फ्लोरियम। तो बच्चों, ये जो एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट, ये रिसेंटली अभी डिस्कवर हुआ है और ऐड हुआ है। ये जो एलिमेंट है, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, इससे पहले हम सिर्फ लेड तक जानते थे। ठीक है, और ये जो एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट, ये अभी डिस्कवर हुआ है और एक ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसकी हाफ लाइफ बहुत ही छोटी है और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो ज़्यादा अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है। ज़्यादा इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। ठीक है, सो अभी जब हम पढ़ेंगे तो हम लेड तक ही स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए, कार्बन की जब हम बात करते हैं तो कार्बन जो है वो 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है बाय मास। ठीक है, तो ये 17th मोस्ट अबंडेंट है बाय मास इन द अर्थ क्रस्ट। अगर हम सिलिकन की बात करें बच्चों, तो दिस इज सेकेंड मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में सेकेंड मोस्ट अबंडेंट है ये। और अगर हम जर्मेनियम की बात करते हैं तो ये बहुत ही कम पाया जाता है, रेयर है। मतलब उसका अगर नंबर फिर भी काउंट करें हम तो ये 54th नंबर पे है। उसके बाद में लेड की बात करें तो ये 49 नंबर पे। एंड टिन की अगर हम बात करते, सॉरी, दिस इज टिन, टिन इज 49 नंबर। अगर लेड की बात करते हम तो ये है हमारे पास में 36 नंबर पे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली कार्बन की। तो बच्चों, जब कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन जो है ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है नेचर के अंदर। आप जहीं जहाँ पे भी देखेंगे तो आपको कार्बन तो मिलेगा ही मिलेगा। मोस्ट ऑफ द चांसेस कार्बन की है। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि कार्बन फ्री स्टेट में हो, या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि कार्बन कंबाइंड स्टेट में है। तो देखिए बच्चों, अगर कार्बन फ्री स्टेट में है तो हम उसको कहाँ देखते हैं, जैसे एग्जांपल है डायमंड, ग्रेफाइट, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं। डायमंड एंड ग्रेफाइट ये फ्री फॉर्म है कार्बन के और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं। ठीक है, इसी में अगर हम फ्री की बात करें तो कोल भी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, लेकिन कोल क्या है, एमोर्फस है। दीज बोथ आर क्रिस्टलाइन एंड दिस इज एमोर्फस। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया क्रिस्टलाइन का एग्जाम्पल्स और ये हमारे पास में हो गया एमोर्फस का एग्जाम्पल। ठीक है, लेकिन है फ्री स्टेट। अब हम कंबाइंड स्टेट की बात करते हैं, मतलब किसी ना किसी के साथ में कंबाइंड फॉर्म में, प्योरली कार्बन नहीं है, किसी ना किसी के साथ में कंबाइंड फॉर्म में होगा। जैसे कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल्स के अंदर देखते हैं तो हमें कार्बन की काफ़ी कंपाउंड्स मिलते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल बात करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल, जैसे कि हमारे पास में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, और काफ़ी दूसरे भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल। तो जितने भी हम देखते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, प्लांट, एनिमल्स, उसमें हमें कंबाइन फॉर्म में कार्बन मिलेगा ही मिलेगा। मतलब कार्बन किसी और के साथ में अटैच्ड होगा, बट कार्बन उसमें बेसिक होगा ही होगा। ठीक है, तो फ्री स्टेट मतलब प्योर फॉर्म में, और कंबाइन स्टेट मतलब किसी और एलिमेंट्स के साथ में जुड़ा हुआ होना। ठीक है, उसके बाद में अगर हम हाइड्रोकार्बन की फॉर्म की बात करते हैं तो आप जानते हैं बच्चों, नेचुरल गैस और जो पेट्रोलियम है, ये हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल। अगेन इसमें क्या है, कार्बन है। अब ये हाइड्रोकार्बन चेन भी हो सकती है, लीनियर भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम एटमोसफियर की बात करें तो बच्चों, एटमोसफियर में कार्बन डाइऑक्साइड है, अगेन हमको कार्बन मिल जाता है। अगर हम मिनरल की बात करें अर्थ क्रस्ट में, तो काफ़ी मिनरल्स आपको कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेंगे। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जैसे कि लाइमस्टोन जिसका फॉर्मूला है CaCO3, अगेन हमें यहाँ पे कार्बन मिल रहा है। डोलोमाइट जिसका फॉर्मूला है MgCO3, CaCO3। ठीक है, इसमें अगेन हमें कार्बोनेट के फॉर्म में, मतलब कार्बन है इसके अंदर। उसके बाद हम मैग्नेसाइट की बात करते हैं, इसमें भी MgCO3 है, मतलब वापस कार्बन है। कैलेमाइन के अंदर भी कार्बन है और सिडराइट के अंदर भी कार्बन है। तो मिनरल्स जो है अर्थ क्रस्ट के अंदर, वो भी कार्बोनेट के फॉर्म में होते हैं, उसमें कार्बन होता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि कार्बन वाइडली जो है स्प्रेडेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है नेचर के अंदर। ये कॉस्मोपॉलिटन है, आपको हर जगह मिल ही जाएगा। ठीक है, अब बच्चों अगर हम आइसोटोप्स की बात करते हैं तो कार्बन के हमें जनरली 2 आइसोटोप मिलते हैं, और बहुत ही कम अमाउंट में हमें 3rd आइसोटोप भी मिलता है। तो अगर टोटल आइसोटोप की बात करें तो यहाँ पे 3 आइसोटोप है, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन
14। और अगर इसकी हम हाफ लाइफ की बात करें तो बच्चों इसकी हाफ लाइफ है 5770 ईयर। तो ये किसके काम आता है? रेडियो एक्टिव डेटिंग के काम आता है, रेडियो कार्बन डेटिंग के काम आता है। मतलब किसी भी कंपाउंड की क्या एज है, कितने साल से वो रखा हुआ है, तो हम उस पर्टिकुलर कंपाउंड की, पर्टिकुलर आर्टिकल की, पर्टिकुलर स्पीसीज की हम एज निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आइसोटोप ऑफ कार्बन। ठीक है बच्चों, तो ये है बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट दी 14th ग्रुप। अब हम चलते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। सो लेट्स सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज। फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी अबाउट दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। देखिए बच्चों, पहले हम एलिमेंट्स लिख देते हैं, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन, लेड और फ्लोरियम। यहाँ ठीक है बच्चों, ये हमारे पास में आ गए हैं एलिमेंट्स सारे। अब इन एलिमेंट्स के हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है हमारे पास में 6, सिलिकन का है 14, जर्मेनियम का है 32, टिन का होता है 50, लेड का होता है 82 और फ्लोरियम का होता है 114। और ये हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है बच्चों, ये हमने यहाँ पे लिख दिए हैं इनके एटॉमिक नंबर। अब हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो देखिए बच्चों ध्यान से, मैं सीधा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म, नोबल गैस के फॉर्म में इसको लिख रही हूँ। देखो फर्स्ट वाले का क्या होगा, हीलियम 2s2 2p2। अभी क्योंकि सेकेंड ग्रुप है p ब्लॉक का तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए नियॉन 3s2 3p2। ठीक है, उसके बाद में आएगा यहाँ पे आर्गन, देन d ऑर्बिटल यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा तो 3d10 4s2 4p2। उसके बाद में आएगा क्रिप्टन और 4d10 5s2 5p2। उसके बाद में आएगा ज़ेनॉन और यहाँ पे f ब्लॉक एलिमेंट आ जाएंगे, सॉरी f इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, f 14 5d10 6s2 6s6p2। उसके बाद में आएगा रेडॉन और यहाँ पे आ जाएगा 5f 14 6d10 7s2 7p2। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन इसका लिख दिया। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान दें तो लास्ट में सारे जो p ऑर्बिटल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ये p ऑर्बिटल का सेकेंड ग्रुप है। ठीक है, कार्बन जो है अगर हम पी ब्लॉक देखें तो पी ब्लॉक का ये कौन सा ग्रुप है, पी ब्लॉक में ये सेकेंड ग्रुप है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पी ऑर्बिटल्स हैं उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। इसका मतलब ये सेकेंड ग्रुप है पी ब्लॉक का। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करती हूँ तो बाहर का इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, देखो यहाँ पे 2 शेल है, 2 2, इसका मतलब 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। ये 2 2 मैं ऐड कर रही हूँ, यहाँ पर बाहर का कौन सा है, 3, तो 2 + 2 वापस यहाँ पे आ गया मेरे पास में 4। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे ये तो 3 है, ये 4 बाहर का, तो 2 + 2 4। तो बच्चों अगर यहाँ पे देखें तो टोटल हम हर किसी केस में आप देख लीजिए, लास्ट वाला आपको एनर्जी लेवल देखना जिसमें एन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो एन की वैल्यू 7 यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे 6 सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे 5, यहाँ 4, यहाँ 3 और यहाँ 2। ठीक है, तो यहाँ पे सबके आप इलेक्ट्रॉन्स हम देखेंगे जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, तो सबके अंदर ऐड करने पे आपको 4 4 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इसका मतलब ये है कि इनकी जो वैलेंस शेल होता है उसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस वजह से आपने देखा होगा कि ये +4 -4 एंड शेयरिंग शो करता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया है। अब देखिए, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो देख लिया है, अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट एटॉमिक रेडियस। तो बच्चों, एटॉमिक रेडियस के अंदर ये जो
कॉन्फ़िगरेशन था उसमें आपको ये नोटिस करना है कि डी ऑर्बिटल कहाँ पे आ रहे हैं और एफ ऑर्बिटल कहाँ पे आ रहे हैं। इसके बेसिस पे हम इनके साइज के बारे में, एटॉमिक रेडियाई के बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट्स सी दी एटॉमिक रेडियाई। देखिए बच्चों, अब हम एटॉमिक रेडियाई के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट आई एम राइटिंग दी एलिमेंट्स और उसके बाद में मैं इनके एटॉमिक रेडियाई लिखूंगी और आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम रीजंस देखते हैं। देखो बच्चों, अगर हम कार्बन के एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं तो ये होगा 77 पिकोमीटर। आई एम राइटिंग इन पिकोमीटर, ठीक है। और अगर सिलिकन की बात करते हैं तो ये 118 है, उसके बाद में है 122, उसके बाद में 140 पिकोमीटर, उसके बाद 146 पिकोमीटर। अब बच्चों, जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि 77 से 118 ज़्यादा है, 122 और ज़्यादा है, 140 और ज़्यादा है, 146 और ज़्यादा है। तो डाउन द ग्रुप जब हम जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप साइज़ क्या हो रहा है बच्चों, साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और ऐसा ही होता है, हम जाते जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एन वैल्यू बढ़ती है। एन वैल्यू मतलब शेल, नंबर ऑफ शेल्स डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं तो साइज भी बढ़ता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, हम ये भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों, अगर आप ध्यान से नोटिस करें यहाँ पे, तो आप देखिए जो 77 से 118 है, इसमें ड्रास्टिक इंक्रीज आ रहा है, बहुत ज़्यादा जंप है इंक्रीज का। उसके बाद जब आप सिलिकन से जर्मेनियम टिन लेड की तरफ जाते हैं बच्चों, देखो थोड़ा 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 इंक्रीज हो रहा है, मतलब इंक्रीज तो हो रहा है, साइज तो इंक्रीज हो रहा है, पर ये इंक्रीज इन साइज क्या है, कार्बन से सिलिकन तक अगर हम देखें तो ड्रास्टिक चेंज है, बहुत ही ड्रास्टिक इंक्रीज इन साइज है, ठीक है। लेकिन अगर हम सिलिकन के बाद देखें, अगर हम सिलिकन के बाद देखते हैं तो सिलिकन से, मैं लिख देती हूँ सिलिकन ऑनवर्ड्स, जो इंक्रीज इन साइज है वो क्या है, ग्रेजुअल है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो हो गया ड्रास्टिक, और सिलिकन के बाद में साइज जो है इंक्रीज हो रहा है, वो ग्रेजुअल हो रहा है। तो बच्चों, इसके पीछे रीजन क्या है, साइज इंक्रीज हो रहा है, हमें पता है एन वैल्यूज इंक्रीज, तो साइज तो इंक्रीज हो गई, लेकिन ये साइज इंक्रीज में वेरिएशन क्यों है, कभी तो ड्रास्टिक हो रहा है, कभी ग्रेजुअल हो रहा है, ऐसा क्यों? तो हम इसका रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, होता क्या है, अगर आप कार्बन और सिलिकन का देखें तो इसके अंदर सिर्फ टू ही ऑर्बिटल्स आते हैं वैलेंस शेल में, NS2 और NP2, ठीक है। तो मैं शॉर्ट इसको लिख देती हूँ, S और P आते हैं, ठीक है। अगर हम कार्बन सिलिकन में देखें तो इसमें आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ S और P ऑर्बिटल्स ही हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम सिलिकन से आगे की तरफ जाते हैं तो आप जानते हो उसमें क्या इंट्रोड्यूस हो जाता है, डी ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस होता है, उसके बाद में एफ ऑर्बिटल भी इंट्रोड्यूस्ड हो जाता है। तो बच्चों, अगर हम शील्डिंग इफेक्ट की बात करें तो एस का शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, डी का, सॉरी पी का उससे कम, डी का और कम, एफ का सबसे कम, ठीक है। और शील्डिंग इफेक्ट का मतलब मैंने सिंपल बताया था कि अगर ये मेरे पास न्यूक्लियस है, इसके आसपास में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को रिपल करते हैं, इस रिपल्शन को हम बोलते हैं शील्डिंग करना, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, या फिर आप ये मान सकते हैं कि जब एस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक जगह पे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बहुत पास पास में होते हैं, ठीक है। पी और डी की कंपेयर में हम देखें तो इनकी क्या धीरे धीरे डिफ्यूजन रेट बढ़ रही है। तो होता क्या है बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जब बहुत पास पास में होते हैं तो इनमें क्या होता है, आपस में रिपल्शन होता है, रिपल्शन होने की वजह से साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बच्चों देखो, अगर हम वापस से टॉपिक पे आएँ तो आप जानते हो जो शेल है उसमें एन वैल्यू बढ़ रही है तो साइज वैसे भी बढ़नी है। जो अब हम देखते हैं शील्डिंग इफेक्ट के बारे में, तो बच्चों जो शील्डिंग इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो अगर ट्रेंड देखें तो एस का शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, पी का कम है, डी का और कम है, एफ का और कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम जैसे जैसे इस साइड में जा रहे हैं SPDF की तरफ, तो डिफ्यूजन रेट बढ़ रही है, जो ऑर्बिटल्स हैं वो डिफ्यूज ज़्यादा है, जैसे डी काफ़ी डिफ्यूज्ड है, एफ और भी ज़्यादा डिफ्यूज्ड है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं शील्डिंग इफेक्ट की, कि एक्चुअल में होता क्या है, तो बेसिक लैंग्वेज में आप ये समझ लीजिए कि सपोज ये न्यूक्लियस है,
ठीक है। और ये न्यूक्लियस के आसपास क्या है, ये सर्कल बना रही है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को रिपल करेंगे, ठीक है। इस रिपल्शन को हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। अगर रिपल करेंगे तो साइज बढ़ जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो रिपल्शन होता है वो एस वाले में होता है, उसके बाद पी, उसके बाद डी और उसके बाद एफ वाले में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन एस में होता है, उससे कम पी, उससे कम डी, उससे भी कम एफ में रिपल्शन होता है। तो सबसे मैक्सिमम रिपल्शन किस में होता है बच्चों, एस के अंदर। सबसे मिनिमम रिपल्शन एफ के अंदर, ठीक है, समझ में आ गया। तो बच्चों देखो वापस कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चलते हैं, अब समझ में आ जाएगा। हमने एक रीज़न तो देख लिया, साइज क्यों बढ़ता है, क्योंकि एन वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि एक बार ड्रास्टिक हो रहा है फिर बाद में ग्रेजुअल हो रहा है, ऐसा क्यों। तो देखो बच्चों, फर्स्ट जो टू एलिमेंट है कार्बन सिलिकन, इसमें सिर्फ दो ही ऑर्बिटल है बाहर, एस और पी। इनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, अभी हमने पढ़ा एस और पी का शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा। शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो साइज भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद में देखिए, जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं वैसे वैसे n वैल्यू की वजह से साइज तो बढ़ रहा है, लेकिन तेजी से नहीं बढ़ रहा है। मतलब एक तरीके से साइज तेजी से बढ़ना चाहिए, बट वो तेजी से नहीं बढ़ रहा है। मतलब जितना ज़्यादा साइज होना चाहिए उससे वो थोड़ा कम है। अब कम क्यों है, हम वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखो बच्चों, आगे के शेल में डी और एफ ऑर्बिटल्स ऐड हो रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। आपको पता है डी और एफ क्या है, डिफ्यूज्ड है, इसमें शील्डिंग इफेक्ट क्या है, कम। तो रिपल्शन क्या होगा, रिपल्शन जो है वो भी होगा कम। अगर रिपल्शन कम होगा इनके बीच में, इसका मतलब इनका साइज क्या होगा, कम, ठीक है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि रिपल्शन कम है, इसका मतलब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब जो न्यूक्लियस है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो साइज क्या हो जाएगा बच्चों, कम। तो जितना हम सोचते हैं कि इंक्रीज होना चाहिए, उतना इंक्रीज नहीं होता। एन वैल्यू बढ़ने की वजह से इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट कम होने की वजह से इसका साइज थोड़ा सा कम इंक्रीज होता है। आगे बात समझ में। तो बच्चों मैं इस टॉपिक को फिर से समझा देती हूँ आपको, ये वाला टॉपिक फिर से एक बार देख लेते हैं। तो देखिए देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं कार्बन और सिलिकन की, तो इसमें एस ऑर्बिटल है, पी इसमें भी क्या है, एस और पी है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं जर्मेनियम, यहाँ पे आ गया हमारे पास में टिन और लेड, ठीक है। अगर इसमें बात करते हैं तो इसमें आएगा डी एस पी, ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले में, तो इसमें भी क्या आएगा, डी एस पी, और इसमें आएगा एफ डी एस पी, ठीक है। आउटर शेल में ये सारे ऑर्बिटल्स हैं, हम ऑलरेडी अभी देख चुके हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट टू में क्या है, एस और पी, ठीक है। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, इसमें सपोज मान लीजिए कि इसमें एन की वैल्यू टू है, इसमें एन की वैल्यू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। तो देखो, हमको एन की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है। अगर डाउन द ग्रुप एन वैल्यूज इंक्रीज हो, तो साइज भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज। तो साइज इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इन फर्स्ट टू के अंदर साइज बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पे एस और पी है, यहाँ पे भी एस पी, और एस पी के अंदर आप देखिए तो साइज तो वैसे भी बढ़ रहा है, और साथ में एस पी है तो उसमें शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा है। शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा हो रहा है बच्चों, तो साइज भी बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पे तेजी से बढ़ रहा है। चलो, ये वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब बचता है हमारे जर्मेनियम से लेके हम बात कर रहे हैं लेड तक की। तो देखो बच्चों, यहाँ से लेके जब आगे हम जाते हैं तो साइज बहुत धीरे धीरे इंक्रीज होता है, ठीक है। इन सब का साइज बहुत धीरे धीरे इंक्रीज, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो बच्चों, जैसे ही हम थ्री से फोर वाले शेल पे आ गए, ठीक है, साइज तो बढ़ रहा है, फोर से फाइव में बढ़ रहा है, फाइव से सिक्स तो साइज तो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस हो गया है, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स इंट्रोड्यूस हो गए। जब डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस होंगे, तो इनमें शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इनमें शील्डिंग इफेक्ट कम होता है। शील्डिंग इफेक्ट कम होने का मतलब हम ये मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम हो रहा है, ठीक है। या फिर आप ये मान लीजिए रिपल्शन कम हो रहा है, इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है। अगर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो साइज क्या हो जाएगा, कम। तो साइज जितना बढ़ना चाहिए, थ्री फोर फाइव की सिक्स की उससे साइज जितना बढ़ना चाहिए उतना ना बढ़ के वो कम बढ़ता है। क्यों, क्योंकि सिंपल आंसर अगर हम लिखें तो शील्डिंग इफेक्ट क्या है बच्चों, कम है। इस वजह से
इनके अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा बढ़ जाता है, और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने के से साइज उतना नहीं बढ़ता जितना बढ़ना चाहिए, तो थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया है। तो अब हम चलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की तरफ। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी अबाउट द आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसको हम आयनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, पहले मैंने वीडियोस में एनर्जी इस वर्ड यूज़ किया है, पर मीनिंग सेम ही है। ठीक है बच्चों, तो हम ये ऑलरेडी जानते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है कितनी एनर्जी हमें चाहिए ताकि हम आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सके। उस एनर्जी को, एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने ये टर्म पढ़ी थी कि जितना ज़्यादा साइज होगा उतना ही कम आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा, मतलब उसको इतना ही इजीली इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। हमें कम एनर्जी चाहिए, अगर साइज ज़्यादा है तो बाहर का इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होगा न्यूक्लियस से। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर साइज ज़्यादा है तो जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है वो उसके और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ये वीकली अट्रैक्टेड होगा और हमको कम एनर्जी दे के हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर साइज़ ज़्यादा है तो आईपी क्या चाहिए, हम एनर्जी क्या चाहिए, कम चाहिए। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब हम ट्रेंड देखते हैं, सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं, उनके बाद में इनका ट्रेंड देखते हैं और फिर ट्रेंड में क्या रीजंस हैं इन ट्रेंड के, वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं एलिमेंट्स। अगर मैं आईपी की बात करती हूँ, आयनाइजेशन पोटेंशियल, और मैं ले रही हूँ यहाँ पे किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो जो फर्स्ट अगर हम इसकी बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन की जो एनर्जी है बच्चों वो होती है 1086 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी चाहिए तब बाहर का इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं, इजेक्ट आउट कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 786, इसके लिए लगभग चाहिए 760, इसके लिए अराउंड होती है 700-707 के अराउंड, और ये होगा हमारे पास में 750। अब बच्चों देखिए, यहाँ से जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, आपको पता है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। और हमें ये पता है फर्स्ट टू एलिमेंट्स में साइज जो है वो ड्रास्टिक इंक्रीज होता है, और सिलिकॉन के बाद में जब हम जाते हैं तो साइज धीरे 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 इंक्रीज होता है। इंक्रीज तो होता है बट फर्स्ट ड्रास्टिक, उसके बाद ग्रेजुअल। उसके हमने रीज़न भी देखा था कि यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है इस वजह से, और यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट कम होने की वजह से, डी एन एफ का शील्डिंग इफेक्ट कम होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, उस वजह से साइज उतनी अच्छे से इंक्रीज नहीं हो सकता जितना अच्छे से उसको होना चाहिए एनर्जी लेवल बढ़ने पर। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हम वापस टॉपिक पे आते हैं। देखिए यहाँ से लेके यहाँ पे साइज आप देख रहे हैं तो बढ़ रही है, तो साइज अगर बढ़ रहा है तो आईपी क्या होना चाहिए, कम। तो देखो साइज बढ़ रहा है तो आईपी क्या हो रहा है, कम। और आप जानते हो यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज होता है, इसके कंपेयर में इसका साइज काफ़ी ज़्यादा है, तो इसकी इन दोनों की अगर हम आईपी कंपेयर करें तो इसकी आईपी काफ़ी कम होनी चाहिए। अगर साइज बहुत ज़्यादा है तो आईपी बहुत कम होनी चाहिए। देखो फर्स्ट के कंपेयर में इसकी आईपी काफ़ी कम है ना, काफ़ी कम है, आप देख सकते हैं। तो ये वाला रेशियो तो समझ में आ गया, साइज ज़्यादा तो आईपी कम, यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद देखिए बच्चों, इसके बाद जब हम नोटिस कर रहे हैं तो इन सब की एनर्जी देख लिए, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। अगर हम एनर्जी में कंपेयर करें तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। इसके पीछे क्यों बच्चों, अगर हम बात करें सिलिकन से, अगर जर्मेनियम पे जाते हैं तो जर्मेनियम के अंदर क्या होता है, डी ब्लॉक एंटर करता है। ठीक है, डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं। उसी तरीके से टिन की बात करें तो इसमें भी क्या है, डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसका मतलब डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हमने कहा था डी जो है हमारे पास में उसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, ठीक है, या फिर हम बात करते हैं इसका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या होता है, बहुत पुअर। अगर शील्डिंग इफेक्ट पुअर है इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन है वो क्या होगा, कम। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज है वो बढ़ जाएगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टाइटली हेल्ड होंगे, ज़्यादा नहीं बट थोड़े से टाइटली हेल्ड होंगे। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स टाइटली हेल्ड है तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, समझ रहे हैं। तो इस वजह से देखिए अब होना तो क्या चाहिए, यहाँ पे बहुत कम, क्योंकि साइज इसका कम हो रहा है।
ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि साइज ग्रेजुअली कम हो रहा है, इसलिए अगर आईपी की बात करें तो आईपी भी क्या हो रही है, ग्रेजुअली कम हो रही है। और साइज ग्रेजुअली कम क्यों हो रहा है, क्योंकि इस रीजन की वजह से, ठीक है, एनर्जी लेवल तो बढ़ रहा है लेकिन साथ में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है उस वजह से साइज जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन थोड़े से अंदर की तरफ खिंचे जाते हैं, इस वजह से इनका साइज ग्रेजुअली कम होता है। तो आईपी भी साइज ग्रेजुअली बढ़ता है तो आईपी क्या होगी, ग्रेजुअली कम होगी। इसकी कंपेयर में वापस यहाँ देखें बच्चों, तो इसका भी साइज ग्रेजुअली बढ़ रहा है तो आईपी ग्रेजुअली कम हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम लास्ट की बात करें बच्चों, तो देखिए इसमें जो है हमारी आईपी थोड़ी सी बढ़ गई है, आईपी यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ गई। उसके पीछे सिंपल रीजन है बच्चों, लेड के अंदर एफ ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एंटर करते हैं, एफ के अंदर, लेड के अंदर क्या है हमारे पास में एफ ब्लॉक या फिर जो एफ ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। और जो एफ है ना उसका शील्डिंग इफेक्ट तो डी से भी कम होता है, एफ का तो डी से भी कम होता है। इसका मतलब इसमें जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत ज़्यादा लगेगा, इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स बहुत अच्छे से अट्रैक्टेड होंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स बहुत अच्छे से अट्रैक्टेड है तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, हमें क्या करना पड़ेगा, लार्ज एनर्जी देनी पड़ेगी। और देख लीजिए आप, अगर हम इसके कंपेयर में इसको देखें तो एफ इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से लेड की एनर्जी ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि इसमें एफ ऑर्बिटल है, एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब रिपल्शन कम और अट्रैक्शन ज़्यादा है किसके बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए हम ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो सिंपल से अगर हम कंक्लूड करें इस टॉपिक को, तो हम देखते हैं जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो यहाँ पे साइज ड्रास्टिकली बढ़ता है तो आईपी ड्रास्टिकली चेंज हो रही है, फिर साइज जो है ग्रेजुअली इंक्रीज होता है तो आईपी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, और लास्ट वाले में आईपी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इसमें एस एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, और ये जो एफ ऑर्बिटल होता है हमारे पास में सबसे उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफ्यूज होता है, इसमें शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होती है, शील्डिंग इफेक्ट कम होने का मतलब है अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होना, रिपल्शन कम होना मतलब अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा ज़्यादा होगा अट्रैक्शन फोर्स, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है टाइटली हेल्ड होगा तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए हम क्या करते हैं ज़्यादा एनर्जी देते हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये था आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में। अब वापिस से बच्चों वो ही बात कि अगर हम आयनाइजेशन पोटेंशियल कंपेयर करते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल को सेकंड आईपी से कंपेयर करते हैं तो क्या होता है, इन दोनों में ट्रेंड क्या रहेगा, कौन ज़्यादा रहेगा और कौन कम। तो बच्चों सीधी सी बात है, मान लीजिए कि कार्बन है, इस कार्बन से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो आपने इसको आईपी दी, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो कार्बन कितना हो गया प्लस वन का, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, ठीक है। अब क्या होगा, इस कार्बन से अगर वापस से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आप आईपी टू देंगे तो कार्बन टू पॉजिटिव बनेगा और वन इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो हम जब इस आईपी वन और आईपी टू को कंपेयर करते हैं, तो बच्चों मैंने आपको पहले भी समझाया है, अगर आप पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो बहुत मुश्किल से निकलेगा, आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, मतलब आपको आईपी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो अगर हम आईपी वन और आईपी टू में कंपेयर करें तो आईपी टू की वैल्यू क्या होती है बच्चों, हमेशा ज़्यादा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज़्यादा है और उस एटम में इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइटली हेल्ड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स कम है इनके पास में, पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कम होना, इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो बहुत टाइटली हेल्ड करेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देंगे, तब जाके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, सिंपल, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा ना बच्चों, उतनी ही ज़्यादा आईपी की वैल्यू होगी, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा किसी भी एटम के ऊपर, आयन के ऊपर, उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा आपको उसमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारे पास में आयनाइजेशन एंथैल्पी पोटेंशियल या फिर एनर्जी के बारे में। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर और मेटलिक नेचर। नाउ लेट अस सी अबाउट द इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर और वी कैन से मेटलिक नेचर। अब देखो बच्चों इसका मतलब क्या है, आपको पता है मेटलिक नेचर या इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, है ना, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी। और आप जानते हो साइज जितना ज़्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन इजीली लूज होगा,
वही कॉन्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा साइज बढ़ने से, तो वो इलेक्ट्रॉन जो बाहर का है वो इजीली लूज हो सकता है, क्योंकि वो लूजली हेल्ड है न्यूक्लियस से, है ना। तो देखिए बच्चों, अब मैं वापस यहाँ पे एलिमेंट लिख रही हूँ, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर हम बात करते हैं तो हम जानते हैं, हम जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, अगर साइज इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो बच्चों ऐसा ही होता है, देखिए अगर आप सिलिकन और कार्बन की बात करते हैं तो ये नॉन मेटेलिक होते हैं, ठीक है, मतलब ये लूज करने की जगह गेन करना प्रिफर करते हैं। ठीक है, अगर हम जर्मेनियम की बात करें तो ये मेटलॉइड होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं टिन और लेड की तो बच्चों ये मेटल होते हैं। और हम ये तो बात कर रहे हैं जैसे ही डाउन द ग्रुप जा रहे हैं साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा, मतलब वो मेटलिक नेचर शो करना चाहिए। ऐसे हो रहा है जैसे नीचे जा रहे हैं, वैसे साइज बढ़ रहा है तो मेटलिक नेचर बढ़ रहा है। तो जो नीचे के एलिमेंट्स हैं टिन और लेड की बात करते हैं वो मेटेलिक नेचर शो करते हैं, अपर जो टू एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल मतलब गेन करना प्रेफर करते हैं, और बीच में जो जर्मेनियम है ये मेटलॉइड है, विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब देखिए इसमें भी जब हम बात करते हैं तो ये जो एलिमेंट्स हैं 13 ग्रुप के कंपेयर में अगर हम 14 ग्रुप को देखें तो इसका साइज क्या है, कम, और इसका साइज क्या है, ज़्यादा। क्योंकि जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, इसका मतलब 14 ग्रुप का साइज कम है और 13 ग्रुप का ज़्यादा है। अगर इन दोनों के मेटलिक बिहेवियर की बात करें तो ये जो है मेटलिक बिहेवियर, साइज भी इसका ज़्यादा है, और क्योंकि साइज इसका ज़्यादा है तो मेटलिक बिहेवियर भी इसका ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है 13 ग्रुप, और इसका साइज भी ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम इस ट्रेंड को देख सकते हैं। तो लोअर टू एलिमेंट्स आर दी मेटल, अपर टू एलिमेंट्स आर दी नॉन मेटल, एंड द सेंटर वन बिहेव एज अ मेटलॉइड। ठीक है, तो बच्चों जब हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव देख लिया है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के बारे में भी देख लेते हैं। So let's see about the electronegative nature और electronegativity। ठीक है बच्चों, देखो इलियम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, है ना। साइज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, ये क्या करता है, टेंडेंसी का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो साइज जब बढ़ेगा तो देने की बढ़ती है इलेक्ट्रॉन, देने की टेंडेंसी बढ़ती है, लेने की नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन अगर हम इसकी ट्रेंड की बात करें तो थोड़ा सा इररेगुलर ट्रेंड मिलता है हमें। देखो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन की वो 2.5, 1.8 डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या हो गई, वापस से बढ़ गई, कम हो रही है, फिर से कम हो रही है। तो आप नोटिस करें बच्चों, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ा सा वेरिएशन आया है, डिक्रीज होते होते बीच में एक थोड़ा सा हाइक आया। उसके पीछे रीजन बच्चों बहुत सिंपल है, डी ऑर्बिटल की वजह से एंड एफ ऑर्बिटल की वजह से। ठीक है, जो डी ऑर्बिटल है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है जर्मेनियम में, है ना। और उसके अलावा अगर हम बात करें एफ ऑर्बिटल की तो वो किसमें इंट्रोड्यूस होते, लेड। तो इनके हमने पहली बात की, इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है बच्चों, इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, इसका मतलब रिपल्शन कम है तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा, और अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होने की वजह से, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, तो जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होनी चाहिए, हो रही है, बट थोड़ा सा हमें चेंजेस दिखते हैं इस वाली पोजिशन पर ड्यू टू एडिशन ऑफ डी ऑर्बिटल, जिसका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, कम। इसका मतलब इसका अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा, अगर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा।
ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। और आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट देखें तो ड्रास्टिक चेंज है धीरे, और बाकी नीचे वालों में थोड़ा कम चेंज, तो वही सेम साइज वाला रीजन जो हम पढ़ चुके हैं वही इसमें इंप्लीमेंट होगा। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसकी है बच्चों, इसके अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है कार्बन की। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बाकी सबके अगर कंपेयर में हम देखें तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए बच्चे, हम जानते हैं कि फोर्थ ग्रुप के बाहर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फोर। उसके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये चार इलेक्ट्रॉन लूज कर ले, ठीक है, ताकि इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए, या फिर ये चार इलेक्ट्रॉन ऐड कर ले ताकि इसको ऑक्टेट मिल जाए, ठीक है। तो इनके पास दो पॉसिबिलिटी बच्चों, लेकिन ये दोनों ही शो नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों, देखिए, क्योंकि अगर इसको प्लस फोर ऑक्सीजन स्टेट शो करनी, इसको बहुत ज़्यादा आईपी रिक्वायर्ड होगी, जो आईपी रिक्वायर्ड होगी वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इतनी आईपी नॉर्मली पॉसिबल नहीं हो पाती, हमें बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है एनर्जी। अगर माइनस फोर करे ये, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करे, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो बच्चों वो भी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, तब जाके बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके ये माइनस फोर की पॉसिबिलिटी में आएगा। तो इतना ज़्यादा एनर्जी एप्लीकेबल ना होने की वजह से, अवेलेबल ना होने की वजह से, ये सबसे अच्छा काम करता है, इन बिटवीन का काम करता है, जिसको हम बोलते हैं शेयरिंग। तो जो फोर्थ 14th ग्रुप है वो क्या करता है, शेयरिंग करता है। इस वजह से हम देखते हैं कि कौन से बॉन्ड्स बनाते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, और वो कंपाउंड्स क्या हो जाते हैं, उन कंपाउंड को हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है बच्चों। चलो अब इसी में थोड़ा सा हम आगे समझते हैं। अब जब ये शेयरिंग कर रहे हैं तो कितनी शेयरिंग करेंगे, चार इलेक्ट्रॉन की करेंगे, इसका मतलब ये कितने बॉन्ड बनाते हैं, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये चार बॉन्ड बनाते हैं, और इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, टेट्रा वैलेंसी, ठीक है, या फिर टेट्रा वैलेंट। तो ये क्या होते हैं, टेट्रा वैलेंट, ये चार बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए कार्बन जो है, कार्बन जो है, ठीक है, ये कुछ एलिमेंट्स के साथ में मिलकर क्या करता है, कार्बाइड का फॉर्मेशन करता है। कार्बाइड का मतलब क्या होता है बच्चों, कार्बाइड का मतलब होता है इस पे नेगेटिव चार्ज होना। जब कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज होता है तो हम इसको कार्बाइड कहते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होता है हम हाइड्राइड कहते हैं, वैसे ही अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो उसको कार्बाइड कहते हैं। कार्बन के पास हो सकता है कि 4 माइनस का चार्ज हो, या फिर कार्बन 2 माइनस इस फॉर्म में हो, ठीक है, लेकिन जब भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा तो हम क्या बोलेंगे, उसको कार्बाइड बोलेंगे। तो कुछ एटम्स के साथ में मिलके ये कार्बाइड का फॉर्मेशन करता है, जैसे कि Be2C या फिर CaC2, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बाइड या फिर बेरियम कार्बाइड का ये फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और इस जगह पे अगर हम कार्बन की बात करें तो उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कार्बाइड बोलते हैं, ठीक है बच्चों। सो दिस इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम ये देखते हैं कि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंसी क्यों शो करता है, इसमें चार बॉन्ड क्यों पॉसिबल है। हमने ये तो देख ही लिया है कि इसके बाहर के शेल में चार इलेक्ट्रॉन है इस वजह से, पर इसको थोड़ा सा हम और स्टडी करते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं आउटरमोस्ट शेल की, तो यहाँ हमारे पास होगा NS और NP, ठीक है। इन जनरल देखिए तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे हमने बोला 3 ऑर्बिट, ये होता है जनरल कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए यहाँ पे तो मैंने लगा दिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 1 2 तो यहाँ पे हो गया ये 1 2, ठीक है। अब जब ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा, अभी तो क्या है ग्राउंड स्टेट में, लेकिन इसके पास में कोई साइड एटम्स आ रहे, कोई एटम आ रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर की तरफ एक्साइट कर जाएगा। तो अब हमें सारे ही ऑर्बिटल में क्या मिलेंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब ये सारे अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, अवेलेबल है बॉन्ड बनाने के लिए। तो क्योंकि चार हमारे पास में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कितने बॉन्ड बनाता है, चार बॉन्ड
बनाता है, ठीक है। और वो कंपाउंड कैसे होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल अगर देखें तो सबसे सिंपल एग्जांपल 10th क्लास के हिसाब से CH4 या फिर CCl4, अगर सिलिकॉन का एग्जांपल है तो SiCl4, जर्मेनियम का ले तो GeCl4, SnCl4, PbCl4। सो इस तरीके से ये शो करते हैं टेट्रा वैलेंसी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, अभी तक तो हमने सिर्फ प्लस फोर वाला केस देखा है, ठीक है, जिसमें चार कोवेलेंसी है। कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ दो बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है, इन्हीं के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दो बॉन्ड बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं, कब बनाते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सो सी स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं इनकी कार्बन, उसके बाद में आएगा सिलिकन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो बच्चों देखो, ये तो शेयरिंग शो करते हैं फॉर श्योर, ठीक है, लेकिन जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, हम जनरली दे सकते हैं कि इनमें प्लस माइनस फोर की कैपेसिटी है, पर हमने कहा है कि प्लस माइनस फोर अगर इनको करना है तो इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। किस इलेक्ट्रॉन की करते हैं, चार इलेक्ट्रॉन की ये शेयरिंग करते हैं, कन्वीनियंट है ना, इन बिटवीन पाथ ले लिया उन्होंने। लेकिन अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप में, ठीक है, तो जैसे हम नीचे जाते हैं, आपको मैंने बताया था कि इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है, डाउन द ग्रुप जाने पे इनर पेयर इफेक्ट बढ़ता है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे इनर पेयर इफेक्ट भी बढ़ता है। अगर इनर पेयर इफेक्ट बढ़ता है तो मैंने उसमें समझाया था आपको कि जो s इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका बॉन्ड में पार्टिसिपेशन क्या हो जाता है, धीरे धीरे डिक्रीज। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे इनर पेयर इफेक्ट भी बढ़ेगा। इनर पेयर इफेक्ट बढ़ने का मतलब है जो s इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो सिर्फ आउटर p जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ही पार्टिसिपेट करेंगे। आपको पता है इसमें p इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे ये क्या करता है, प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, ठीक है। और जैसे नीचे से प्लस 2 ज़्यादा डोमिनेट होता जाता है, तो नीचे के जो एलिमेंट्स को देखेंगे बच्चों तो आप ये देखेंगे, सपोज मैं SN और PB का एग्जाम्पल, तो SnCl4 भी मिलेगा आपको, SnCl2 भी मिलेगा आपको, PbCl4 भी मिलेगा आपको, PbCl2 भी मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो आपको ये दोनों फॉर्म में मिलेंगे। जैसे हम जो लोअर एलिमेंट्स हैं, हायर एटॉमिक मास के एलिमेंट्स हैं, हायर एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो उसमें प्लस टू क्या हो जाता है बच्चों, डोमिनेट हो जाता है इनर पेयर इफेक्ट की वजह से, ठीक है। ऊपर वाले चार बॉन्ड दिखाना शो करेंगे और नीचे वाले एलिमेंट्स 2 बॉन्ड्स प्रिफर करते हैं। अगर हम बात करते हैं 4 बॉन्ड्स की, तो बच्चों ये शो करते हैं कोवेलेंट नेचर, और अगर हम 2 की बात करते हैं तो ये क्या शो करते हैं हमको, आयनिक नेचर। अब अगर हम बात करते हैं SnCl4 की एंड SnCl2, इससे हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए Sn पे क्या चार्ज आएगा, प्लस 4, यहाँ पे Sn पे क्या चार्ज आएगा, 2+, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे अगर साइज की बात करें तो इसकी साइज कम है, और हम फजान रूल के हिसाब से जानते हैं कैटायन का साइज जितना कम होगा, ठीक है, कैटायन पे चार्ज ज़्यादा होना मतलब साइज कम होना, कैटायन का साइज जितना कम होगा उतना वो एनायन को क्या करेगा, पोलराइज करेगा, और जितना ज़्यादा वो पोलराइज करेगा एनायन को उतना ही कोवेलेंट नेचर बिल्डअप होगा, कोवेलेंट नेचर उतना ही बिल्डअप होगा। कैसे, देख लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ये मेरे पास नेगेटिव है और ये मेरे पास में पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का साइज कम है, नेगेटिव का साइज बड़ा है, यहाँ पे क्लोरीन मान लीजिए, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही अट्रैक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इसके साथ में शेयरिंग में आ जाएंगे एक तरीके से, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, छोटा हो गया है, शेयरिंग में। तो अभी तो ये आयनिक थे, प्लस माइनस कैसे फॉर्म में थे, आयनिक फॉर्म में थे, लेकिन क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज का साइज बहुत छोटा है और ये इसका न्यूक्लियर चार्ज इस तरीके से बहुत बड़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा मतलब ये हमें शेयरिंग के फॉर्म में दिखेंगे, तो ये आयनिक से किस में कन्वर्ट हो गए, कोवेलेंट में, शेयरिंग में कन्वर्ट हो गई। वहीं अगर एसिन 2 की बात करते हैं, 2+ की, तो इसमें क्या है बच्चों, साइज कम, इसमें क्या है, चार्ज कम है, अगर चार्ज कम है तो साइज ज़्यादा कम
नहीं होगा, साइज ज्यादा कम नहीं होगा, साइज ज्यादा कम नहीं होगा, ज्यादा अट्रैक्ट भी नहीं करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो वो आयनिक का आयनिक ही रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो एसिन सीएल टू है वो आयनिक है एंड एसिन जो फोर है प्लस वो क्या है, कोवेलेंट है। किस रूल से आप पता कर सकते हैं? फजान रूल से आप पता कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब हम एक लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर साइज इंक्रीज होगा एटम का, ठीक है, तो जो बॉन्ड है मेटल मेटल के बीच के जो बॉन्ड है वो क्या होते जाएंगे, वीक होते जाएंगे। और अगर बॉन्ड वीक होते जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और बच्चों को पता है जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, ठीक है, जब हम कार्बन से लेड की तरफ जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज होने की वजह से आप जानते हैं कि मेटल मेटल बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अगर मेटल मेटल बॉन्ड वीक हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। तो जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। लेकिन अगर हम लास्ट में सिर्फ टिन और लेड को कंपेयर करें आपस में, ठीक है, टिन और लेड को कंपेयर करें तो लेड का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 505 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका होता है 600 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम देखें तो हमें पता है कि इसका साइज ज़्यादा है, इसका अगर साइज ज़्यादा है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, पर क्या है इसका ज़्यादा। अब बच्चों का सिंपल आंसर है, हम पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या होता है, एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं, एफ ऑर्बिटल एडिशनल होता है, इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं। इसका मतलब इसमें क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कम, मतलब न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, ज़्यादा। इसका मतलब अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा। अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है, तो साइज क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली कम, तो बॉन्ड जो बनेगा वो स्ट्रांग बनेगा, ठीक है। तो स्ट्रांग बॉन्ड बनने की वजह से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो कुल मिला के बच्चों सारा जो आंसर है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट पे ही आके रुक जाता है, ठीक है। तो हमको ये समझ में आ गया है, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशनशिप है, ठीक है।